अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जीटेक टीवी कैसे हैं आप सब आप सबको सबसे पहले मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा तो ईद के बाद हम क्विज़ रिज्यूम कर रहे हैं सो so, आज हम ग्राफिक डिज़ाइन का क्विज़ नंबर फोर सॉल्व करने वाले हैं सो so, क्विज़ स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूँगा और चलते हैं क्विज़ की तरफ सबसे पहले आपने एल एम एस पर लॉगिन कर लेना है एल एम एस पर लॉगिन करने के बाद आपने क्विज के सेक्शन में आके उन्हें ओपन कर लेना है ओके okay, जी क्विजेस ओपन हो जाएंगे तो आपने क्विज नंबर फोर पे टेक क्विज पे क्लिक करना है ओके okay, जी ये क्विज आपके सामने खुल जाएगा हम स्टार्ट कर लेते हैं क्विज सो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास आ चुका है अ डैश इज़ यूजली नॉन प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन सच एज अ टाइटल एंड डेट यूज टू आइडेंटिफाई अ डॉक्यूमेंट स्लग ब्लीड मार्जिन और अ सोर्स फाइल। सो बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि यूजअली नॉन प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो प्रिंट नहीं होती सच एज टाइटल एंड डेट जो टाइटल होता है फाइल का और डेट ये प्रिंट नहीं होती टू आइडेंटिफाई आ डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफिफाई करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं मार्जिन कहते हैं ब्लीड कहते हैं स्लग कहते हैं या सोर्स फाइल कहते हैं तो so, चलें आप थोड़ा टाइम ले लें आप इसको सोचें इसका आंसर क्या है ओके okay जी क्वेश्चन नंबर टू आरजीबी कलर्स आर यूज्ड फॉर विच मीडियम पेनिंग डिजिटल आउटडोर और प्रिंटिंग जो आर जी बी कलर्स हैं वो किस मीडियम के लिए यूज़ किए जाते हैं सो so, जैसे कि आपको पता है कि आर जी बी कलर्स जो हैं नॉर्मली डिजिटल मी, मीडिया के लिए यूज़ किए जाते हैं अगर कोई पिक्चर वगैरह आपने अपलोड करनी है सेव करनी है तो आप आर जी बी में करेंगे और प्रिंटिंग के लिए मोस्टली जो है सी एम वाई के कलर्स यूज़ किए जाते हैं सो so, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके okay जी क्वेश्चन नंबर थ्री है जी व्हाट इज मेंट बाय अलाइनमेंट अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और अरेंजमेंट ऑफ इफेक्ट्स सो अलाइनमेंट बेसिकली किसको कहा जाता है अलाइनमेंट कहा जाता है कि आप किसी दो चीज़ों को एक लाइन में कर लें अलाइन सो so, इसका आएगा अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स आई थिंक आई थिंक आई एम श्योर दैट दिस इज़ अरेंजमेंट ऑफ लाइंस फिर भी अगर आपको कंफर्म नहीं है ये कि ये सही नहीं है तो आप इसमें से अगर आप समझते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें बट आई थिंक दिस इज अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी हमें क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव रैप टू चेंज द एंगल ऑफ ब्रश टू चेंज द एंगल ऑफ एन आर्किटेक्चरल इमेज टू चेंज द एंगल ऑफ ग्रेडियंट और टू चेंज द एंगल ऑफ लेयर चलें आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं आप इसको देख लें फिर आपको आंसर बताते हैं सो आई थिंक प्रस्पेक्टिव रैप इज टू चेंज द परशन और प्रस्पेक्टिव चेंज करने के लिए यूज किया जाता है सो so, एक इमेज के रोटेशन और एंगल चेंज करने के लिए इसको यूज किया जाता है सो आई थिंक टू चेंज द एंगल ऑफ आर्किटेक्चरल इमेज दिस इज द राइट ऑप्शन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव आर जी बी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू रॉयल ब्लू ग्रीन ब्लैक रेड ग्रीन ब्लैक और रेड गोल्ड ब्राउन सो एक्चुअली आर स्टैंड फॉर रेड जी स्टैंड फॉर ग्रीन एंड बी स्टैंड फॉर ब्लू सो आर जी बी कलर स्कीम सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देर आर डैश मेन कलर स्कीम्स वन टू थ्री और फोर चले गाइज जल्दी बता दें आप इसका क्या आंसर है आपके ख्याल में कितनी कलर स्कीम्स होती हैं वन टू और थ्री और फोर आपको मैं टाइम देता हूँ फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ सो so, मुझे लगता है आपको अभी तक आंसर पता लग गया होगा देर आर टू कलर स्कीम्स विच इज़ आर जी बी एंड सी एम वाई के ओके सो टू इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर सेवन द डैश इज अ विजुअल आइडेंटिटी ऑफ एनी ब्रांड प्रोडक्ट सर्विस और कंपनी बिजनेस कार्ड डीवीडी कवर लोगो और ब्रोशर्स और फ्लायर्स सो जल्दी से इसका आंसर बता दें कमेंट्स में आप आंसर बता सकते हैं द डैश इज अ विजुअल आइडेंटिटी ऑफ एनी ब्रांड प्रोडक्ट सर्विस और कंपनी वट डू यू थिंक एक ब्रांड और कंपनी और किसी सर्विस की आइडेंटिटी जो है वो उसका लोगो होती है सो लोगो इज़ एन विजुअल आइडेंटिटी एक लोगो से पता लगता है जैसे कि लेट्स uh, किसी मर्सिडीज़ uh, का लोगो है किसी कार के ब्रांड का लोगो है उससे आपको कार का पता लग जाता है और अमेरिकन ईगल से आपको पता लग एक क्लोथिंग ब्रांड है सो so, एक लोगो से आपको ब्रांड के बारे में पता लग जाता है सो so, इसको हम सेव करेंगे और क्वेश्चन एट की तरफ मूव करते हैं विद सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स अडोबी इन डिजाइन अडोबी फोटोशॉप अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और अब अडोबी ड्रीम व्यूअर सो इसका आंसर भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं आई विल काउंट ट्री थ्री टू वन ओके सो द राइट आंसर इज अडोबी इन डिज़ाइन अडोबी इन डिज़ाइन में आप मैगजींस और न्यूज़ पेपर मोस्टली क्रिएट करते हैं सो so, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और क्वेश्चन नाइन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन वाई डू वी यूज लीडिंग लाइन्स इन अवर डिज़ाइन लीडिंग लाइंस क्यों यूज की जाती हैं डिजाइन में टू मेक द डिजाइन बेटर टू सी द डिजाइन टू प्रिंट डिजाइन और टू डायरेक्ट द व्यूअर्स आई इनटू द स्पेसिफिक पोर्शन जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर बता दें आप मैं आपको फ्यू सेकंड्स देता हूं लीडिंग लाइन्स बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूं क्या है लीडिंग लाइंस लीडिंग लाइंस तो आप अगर इमेजेस पे जाएं तो आप यहां देख सकते हैं लीडिंग लाइंस क्या है या आप रोड्स पे कुछ लाइंस देख रहे हैं ये इस इस वे की तरफ लीड कर रही है तो लीडिंग लाइंस ये होती हैं जैसे एक ए, रेल का ट्रैक है और ये जैसे एक बाउंड्री है यहाँ पे आप रोड पे देखें ये रोड पे लाइंस हैं इधर भी हैं ये सब लीडिंग लाइंस कहलाती हैं ओके okay, सो so इसका राइट right आंसर जी है राइट right आंसर इसका क्या है टू डायरेक्ट द व्यूअर आई अ स्पेसिफिक पोर्शन कि आपको एक स्पेसिफिक रास्ता दिखाने के लिए ये अट्रैक्ट करने के लिए यूजर को होती है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन जी है लास्ट क्वेश्चन सीरीज ऑफ टास्क डैट इज प्लेड बैक ऑटोमेटिकली ऑन ए सिंगल फाइल और बैच ऑफ फाइल्स एक्शन फिल्टर लेयर और इफेक्ट डैश इज अज ऑफ टास्क वो क्या टास्क होते हैं एक सीरीज ऑफ टास्क है उसको क्या कहा जाता है जो कि अगर आप प्ले कर दें तो जो भी आपने पहले स्टेप किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली आगे अगली फाइल्स पे अप्लाई हो जाते हैं आपको बार बार नहीं करना पड़ता एक बार करके आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद बस आपको प्ले करना है तो अप्लाई होते रहेंगे सो so, इसका आंसर जल्दी जल्दी आप कमेंट्स में मुझे बता दें सो so, इसको जी सॉल्व कर लिया है आपने अगर तो ठीक है नहीं तो इसको मैं बता देता हूँ इसको जी कहते हैं एक्शन एक्शंस होते हैं ये फोटोशॉप में ए, सीरीज ऑफ टास्क हैं जो कि प्ले कर सकते हैं आप अगर आप एक इमेज को लेट से रिसाइज़ करते हैं फिर आप उसकी एडजस्टमेंट करते हैं कलर्स की ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करते हैं और आप चाहते हैं उस पर लोगो लग जाए और सेव हो जाए तो ये तीन चार स्टेप आप रिकॉर्ड करा लेंगे और उसको एक्शन में आप सेव कर लेंगे और अगली पिक्चर खोल पर उस उसके ऊपर यही एक्शन लगाएंगे तो वो अप्लाई हो जाएंगे सो यहाँ पे हमारा क्विज होता है फिनिश तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा मैं मिलूँगा आपसे नई आने वाली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज